शुक्रिया जी आइटम नंबर टू ऑफ जनरल डिस्कशन ऑन द बजट फॉर द ईयर 2023-2024, अनरेबल मोहम्मद इस डार साहब मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। बिस्मिल्ल रन रहीम नहमदल रसूल करीम जनाब स्पीकर आपकी इजाजत से मैं इख्त वाइंडिंग ऑफ स्पीच से पहले चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ बल्कि एक ही समझे गुजारिशात गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल दिसंबर में की हालात की वजह से इम्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और राइटली सो क्योंकि हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि मुल्क में जो एक हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की जो बैरूनी सावरन पेमेंट्स करनी है वो वक्त पे अदा करें जो कुछ हमारे पास अवेलेबल हो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसी वजह से डिफ़ॉल्ट की प्रोडिक्शन होती थी मुल्क से बाहर भी मुल्क से अंदर भी क्योंकि ज़ाहिर है कि रिक्वायरमेंट्स तो ज़्यादा थी तो हमने बड़ा आ, स्टेट बैंक ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और फिर आपको याद होगा प्रोटाइज किया था कि जी सबसे पहले फूड फिर अद्वियात उसके बाद एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं या उनके स्पेयर पार्ट्स हैं तो वो अब अल्लाह ताला करेंगे आ, आ, आने वाले दिनों में आज कल दो तीन दिन तो बजट इनशा पास करेंगे तो उसके बाद आ, मैं आगे चल के कुछ शेयर करूँगा मुझे उम्मीद है कि इन बिज़नेस एज़ यूजल भी जो महज़ा जहाँ कहते हो तो, हमें जल्द, जल्दी से जल्दी उस तरफ जाना चाहिए तो उसकी तरफ कल एक कदम लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कि वो जितनी रिस्ट्रिक्शन है उसको विद्रॉ कर लिया गया यानी अलहमद वो जो एक बिजनेस कम्युनिटी को ट्रेडर्स को इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम थी अल्लाह ने चाहा तो वो दूर हो जाएंगी और उसके लिए हमारी इम्कान यही कोशिश है कि हम जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के एक्सचेंज रिजर्व्स में हम उस पर इजाफ़ा करें और उसमें उस ताकि ऑब्वियसली सप्लाई होगी तो, तो उसके लिए काम हो रहा है जैसे मैंने किया कि कुछ न्यूज़ मैं आगे भी चल के दूंगा तो ये मैं फ्लोर दी हाउस पे चुके सेशन में हम तो मैंने कहा कि ये मानत है ये ख़बर और कल रात से जो है ये सर्कुलर कल इफेक्टिव हो चुका है और और आइंदा कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में जनाब स्पीकर अल्लाह ताला के फलोक करम से मैं समझता हूँ कि दूसरा जो मैं अर्ज़ करूँगा कि कुछ हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और उनके अथॉरिटी के साथ तय है वरना उन्होंने बाईस तेईस के दरमियानी रात में हज फ्लाइट्स इजाजत नहीं दे रहे तो इन जो हमारे पार्लिमेंटेरियन बहन भाई हैं वो उस फ्लाइट में अपना अवेल कर सकते हैं और क्योंकि अलहमदिल्ला हजाज कराम इस वक्त मूव कर रहे हैं मीना मीना में और फिर इन शोम जो अरफात है जो हज का असल दिन है वो ये हमारे साथी भी उसको बड़ी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और जिन साथियों ने इसका फ़ैसला किया हुआ है इन शो उसके लिए तैयार रहें और अब वहाँ हमारी दुआ करें वहाँ तो इस वक्त जो गूंज है वो है अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हु अकबर अल्लाह अल्ला उकबर वल्हम तो इन इनकी आवाज़ भी उसमें शामिल होगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो जो मसायल पिछले चंद सालों से सामने आ रहे हैं अल्लाह ताला हम हमको उन से निजात देंगे और बेहतरी की तरफ सफ़र होगा शुक्रिया जनाब स्पीकर अब मैं फॉर्मल जो वाइंडिंग अप की तरफ आता हूँ आपकी इजाज़त से बिस्मिल्लामरिम नमदूबन वलिल रसूल करीम असलक्रम्ल जनाब स्पीकर मैं कौमी असम्बली के तमाम मोज्ज़ अरकान का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने माली साल तेईस चौबीस के बजट को बेहतर बनाने के लिए अपनी मुफीद तजावीज़ दी और बहस पे भरपूर हिस्सा लिया मोज्ज़ अरकिन के मशरे अवामी ख्वाहत और उमंगों की बेहतर तर्जमानी करते हैं मीशत के मुख्त्य शोबों के बेहतरी के बारे में मोज्ज़ अरकान की तजावीज़ और अर हमारे लिए हैं। मेरे लिए फर्दन फर्दन तमाम ऑनरेबल मोज़ज़ अरकन असमली के नामों का जिक्र करना ऑबियसली मुश्किल होगा जिन्होंने बड़ी भरपूर इस बजट माली साल तेईस चौबीस की बहस में हिस्सा लिया लेकिन मैं फिर भी ख़ास तौर पर वज़ी खारजा बलावल भुट्टो जरदारी और कायद हिजब खिलाफ जनाब जनाब रियाजा जनाब राजा रियाज अहमद और इतिहादी जमातों के पार्लियमी लीडरान और तमाम मोज़ अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माली साल तेईस चौबीस में बड़ी हमारी असलाह के लिए तमीरी तनकीद के साथ साथ तजावीज़ पेश कि जिसके लिए मैं एक दफ़ा फिर दिल के गहराइयों से उनको, उनको उनका शक्रिया मुबारकबाद पेश करता हूँ जहाँ पर स्पीकर इस मौक़ा को फ़ायदा उठाते हुए मोज्ज़ एवान की ख़ात मंबरान इसम्बली के मौसर किरदार और एवान की कार्रवाई बशमूल बजट माली साल बीस तेईस चौबीस पर बहस में दिलचस्पी को सराहता हूँ इन मोज्ज़ ह... इन हमारी मोज्ज़ बहनों ने अरकान ने अपने हलकों की तरक्की और ख़ास तौर पर ख़वान की बहबूद के हवाले से हमेशा की तरह बहुत अच्छी तजावीज़ पेश कि जामा स्पीकर मैं ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के मज्ज़ अरकान की तरफ से चंद अहम अहम तजावीज़ का जिक्र करने की इजाज़त चाहूँगा जिसमें मौसमियाती तब्दीली फूड सिक्योरिटी शमसी तोानाई से चलने वाले ट्यूबवेल आबी तहफ़ आबादी में इजाफे की रोकथाम बेरोज बेरोजगार नौजवानों की फनी महारत ख़ात की बहबूद ज़रात के शबे में मारात बेनर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर की वसत ई ओ बी आई की पेंशन रूस से तजाजत बढ़ाने कम अज़ कम उजरत बत्तीस हज़ार रुपए सेहत और तालीम के फरोग और पसमानदा इलाके इलाक़ों खास तौर पर बलोचिस्तान और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्स लमशुदा अजला जो एक्स फाटो और पाटा हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन तजावीज़ इस हाउस में दी गई मैं मैंने उस उसको एक्नोलेज भी कर रहा हूँ हमने कोशिश की है उसके नतीजे में इन हम उसी तरह अपना रोड मैप इस मुल्क की तरक्याती प्रोग्राम का बनाए जहाँ स्पीकर कौमी असम्बली के मज्ज़ अरकान की तरह सैनट के मज्ज़ अरकान ने भी ती, 23 तेईस चौबीस बजट के तखमी जात का ब़ौर जायजा लिया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की इस पर मैं सैनट के तमाम मज्ज़ अरकान का भी शुक्रगुजार हूँ सैनट की कायमा कमेटी बरए ख़जाना व महसिल की तरफ से फाइनेंस बिल तेईस चौबीस और बजट तखमीना जात का जायज़ा लेकर जो सफारशा पेश की गई हैं वो भी हमारे लिए हैं। रोज कायमा कमेटी ने चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी हलकों की आरा को मद्द नज़र रख कर नहायत अच्छी सफारशा पेश की और इसी तरह जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी जनाब कैसर अहमद शेख साहब की सरवाई में इन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की मैं और मेरे तो मोज़ज़ साथी एफ पी आर और फैनैंस के उन्होंने शिरकत की और हम हम इनकी भी तजावीज़ से इन्होंने चैम्बर्स के और दूसरे लोगों को भी उस उन कमेटी मीटिंग में मदू किया और उन्हें बड़ी अच्छी माशा हमें तजावीज़ दी मैं सबका मशहूर जी मैं ईमान बाला की तरफ से मजमू तौर पर हमें उनसठ फिफ्टी नाइन सवारशत मौसू हुई इन में से उन्नीस जो थीं वह सवारशत अमूमी यानी जनरल नौीय की थी मोज़ मम्बरान सेंट ने बहस बजट बहस के दौरान भी अपनी अपनी तजावीज़ पेश की इस सिलसिला में खास तौर पर सूद के खात्मे दिफाई बजट में इजाफा गैर जरूरी अखराजात पर कंट्रोल लैपटॉप स्कीम वोकेशनल ट्रेनिंग नुकसान में जाने वाले चलने वाले अदारों की निजकारी, यूटिलिटी स्टोर पर दस्याब एशिया की सस्ते दामों फरहमी बीज खाद और शमसी तो की पैदावार पर सब्सिडी सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्रो टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान का ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहता हूँ ये उन फिफ्टी नाइन उनसठ उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और इस ये फ्लोर ऑफ सेनेट पर भी इन इन इन, इन इन, इन जो है एरियाज़ को कवर किया गया है पूरी कोशिश की गई है कि मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पारसी कर लिया जाए वो मैं आगे चल के अर्ज करूँगा इसके साथ साथ मैं मीडिया के मज़द्र दोस्तों मुआशी तजिया कारों और माहरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट के अच्छे पहलुओं की सताइश की और उनके हलकों की तरफ से पेश करदा मुसबत तनकीद को भी हमने कदर की निगाह से देखा जहाँ पर स्पीकर कुछ मज्ज़ मम्बरान को बाज़ तब, तब्दीलियों पर तहफात है जो फैनैंस बिल बीस तेईस चौबीस में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं बैंकों से नक नक रकम निकालने पर यानी कैश निकालने पर नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो जीरो पॉइंट छैक्स के बारे में भी राय सामने आई स्पीकर मैं वाजहे करना चाहता हूँ गुजरात साल करवाया गया था हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है दस फीसद सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को तीन सौ मिलियन से बढ़ाकर पाँच सौ मिलियन कर दिया है इसी तरह टैक्स की शराह को भी मजीद प्रोग्रेसिव किया है जो कि एक फ़ीसद दो तीन चार पहले तो इस स्टेट उसके बाद दस था अब उसके बाद छः आठ और दस ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद ज़रूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्त रखते हों सिर्फ उन पे लागू होता है यानी थ्रेश से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है लेकिन इन तब्दीलियों के साथ पहले था कि एक दो तीन चार और एक सेक्टर्स ए, सेलेक्ट किए गए थे खसूस और उनके ऊपर स्टेट दस फीसद था वो तफरीक डिक्रमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव प्र, स्लैब्स हों जनाब स्पीकर नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर जीरो पॉइंट छः फीसद टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाजह करना चाहता हूँ ये की डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है आप जानते हैं कि टैक्स का सारा बोझ अमलन चंद मिलियन टैक्स दहिंद बर्दाश्त करते हैं इसलिए वक्त की अशद जरूरत है कि इस मुल्क के तमाम शहरी जो टैक्स अदा करने के काबिल हैं वो अपना वाजबुल अदा टैक्स अदा करें ताकि इस जिम्मेदारी को मिलकर निभाया जा सके जनाब स्पीकर बाज मोज मेहमरान ने बोनस शेयर पर टैक्स लगाने के इकदाम को भी यानी उसको अपोज़ किया उसकी मुखालफत की मैं वजाहत कर, करता चलूँ कि कंपनियाँ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैश की शक्ल शे, में या बोनस शेयर की शक्ल में जारी करती हैं जैसे शेयर स्टॉक इस्टचेंज में अपने शेयर्स बेच सकते हैं और नकद रकम वसूल कर सकते हैं पहली सूरत में शेयर होल्डर मसूल होने वाले नकद कैश पर जो मुनाफे के तौर पर मिलता है पंद्रह फीसद टैक्स अदा करते हैं लेकिन दूसरी सूरत में जब बोनस शेयर के सूरत में जब कुछ डिविडेंड मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होता इस 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 कदम के जरिए हमने कैश डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों पर टैक्स आय कर दिया है साथ साथ हमने बोनस शेयर के लिए कम यानी शरह रखी है डिविडेंड पे पंद्रह फीसद है लेकिन बोनस शेयर के लिए हमने इसकी शरह दस फीसद तजवीज़ की गई है जो कि इस मज़्ज़ जो ऐवान है जब बजट पास होगा तो वो स्टेट लागू हो जाएगी ये ऑब्वियसली ये ये टैक्स जो है बोनस के ऊपर ये कंपनियां अदा नहीं करती ये शेयर होल्डर्स अदा करते हैं जिनको ये बोनस शेयर मिलेंगे तो इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि शायद ये कंपनी अदा करेगी ये डिविडेंड जिसको कैश मिलेगा उसका कैश काटा जाता है एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट और वो पैसे भिजवा देते हैं एफबीआर में जमा करवाते हैं बोनस शेयर जो है उसकी दस फ़ीसद जो है उसकी जो वैल्यू होगी मार्केट उसके ऊपर दस फीसद उनको जमा करवाना पड़ेगा चाहे वो शेयर शेयर भेज लें अदरवाइज चाहे वो जमा करवा दें उनकी ऑप्शन है ये, ये स्कीम पहले भी नाफसआमल थी जहां स्पीकर अब मैं उन अहम तरामीम पर रोशनी डालूंगा जिन्हें हमने मुख्तफ फ़ोरम्स की सफारशात की बुनियाद पर फैनैंस बिल में शामिल किया है बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस में नए मतारफ़ कराए दिए गए नाइन्टी नाइन डी सेक्शन पर कुछ तहफा का इज़ार किया जो वफाकी हुकूमत ऐसे असैसी से पचास फ़ीसद तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तीय देता है जिसने इसमें खारजी अवामल की वजह से गैर मतवक़ मुनाफा यानी विंडफॉल गेंद कमाया हो मैं सबको यकीन दिलाता हूँ अपने मोजीन अर, अर, भाइयों और बहनों को कि यह कानून सिर्फ एक प्रोविजन है इसका किसी किसी खास किसी खास शख्स शख्स ऑर्डर इन द हाउस प्लीज तमाम ऑनरेबल मम्बरान अपनी अपनी सीटों पर तशरी फरमा हो जाए इसका हदफ किसी खास शख्स या कंपनी की तरफ नहीं है बल्कि अगर हुकूमत इस बात का तयन करती है कि ऐसे शोबे ने खारजी अनासर से फ़ायदा उठाते हुए फॉल गन किया है तो ये प्रोविज़न पूरे शोबे पर नाफिज की जाएगी ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर यह मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि बहुत कन्फ्यूजन है कि शायद इंडिविजुअल्स को भी पिक किया जा सकता है कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉल गेन हो ये ऐसी बात नहीं है ये पूरा सेक्टर होगा और ये कॉरपोरेट सेक्टर होगा ये इंडिविजुअल इसमें नहीं आएंगे तो दो इसमें क्लरिफिकेशन हैं एक तो ये कॉरपोरेट सेक्टर होगा दूसरा ये इंडिविजुअल्स पे नहीं होगा और तीसरा ये पूरे के पूरे सेक्टर पे भी लागू होगा अब इसमें मैं अर्ज करूं कि जनाब स्पीकर ये पाकिस्तान वाद मुल्क नहीं जो इस तरह की कानून साजी कर रहा है कई ममालिक में विंडॉल गेंद्स के ऊपर टैक्स है यूरोप समेत कई ममालिक ये टैक्स अपने ममालिक में लगाया हुआ है हम इस बात को यकीन बनाने के लिए तमाम इकदाम करेंगे कारोबारी अतमजल ना हो और हम नहीं चाहते कि कौन का, का, कानून की इस शिक की वजह से लोग घबराएं इनिक कमेटी जो हमने सेटअप की जिसका मैंने जनाब को नोटिफिकेशन पेश किया था नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद है उसकी सिफारशात की बुनियाद पर पहले विंडफॉल गेंद जो था वो पांच साल जो थे पिछले उसके ऊपर यह लागू हो सकता था यह कारोबारी लोगों ने जो जो पिछले हमारी मीटिंग्स हुई नौ जून के बाद उनका यह तजवीज़ थी कि इस इस मुद्दत को कम कर दिया जाए और ये कमेटी का भी चेयरमैन नेशनल कमेटी नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बैठे हुए हैं इन इनकी भी कमेटी का यह था इसको फिर टाइम इसको पीरियड कम कर तो हमने पाँच साल को रिड्यूस करके तीन साल कर दिया है और ये फिजिकल ईयर बीस इक्कीस जो यानी जो टैक्स ईयर है उससे लागू होगा तो ये हमने इसमें इम्प्रूवमेंट कर दी है क्योंकि हमारी अपनी कमेटीज़ दोनों जो हैं मैं मिसाल देने लगा हूँ मैं कोई अपना फ्यूचर का माइंड नहीं दे रहा हमारी अपनी दोनों कमेटीज़ ने नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ ने और सेनेट की फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने बार 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 कई दफ़ा ये नुक्ता उठाया कि मुल्क में जो फॉर एग्जांपल बैंक जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो उन्होंने फ़ॉर चेंज गेंस किए हैं हुकूमत तो उस क्यों नहीं कोई ए, उनसे एक्स्ट्रा रिकवरी करती एज ए वनफॉल गेन तो आपको एक इशारा दे रहा हूँ कि उस तरह के जो भी सेक्टर होंगे वो इसकी जद में आएंगे और इसलिए ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि खुदा ना खासदा को वे चेंटिंग है ये कानून बहुत मुल्कों में आ, अवेलेबल है बजाय ये कि हम किसी एक सेक्टर का किसी एक स्पेसिफिक फैसला करते ये हुकूमत को और सिस्टम को ये एक हम एक न्यू वैल्यू एडिशन दे रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ होगी तो इस पर अमल होगा जनाब स्पीकर तवानाई के बचत के मनसूबे के तहत काबीना ने तो के इन एफिशेंट पंखों पर जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फ़ैसला किया था प्राइम मिनिस्टर ने कई मीटिंग्स की और वो मीटिंग थी यानी एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे उसमें तमाम मिनिस्ट्रीज के अलावा जो टेक्निकल अदारे हैं मुल्क के वह तमाम उसमें मौजूद थे और उस हवाले से ये फैसला किया गया था माली साल बीस तेईस चौबीस यानी इस बिल इस फाइनेंस बिल के ज़रिए पी एस क्यू सी ए ने ऐसे इनफिशेंट पंखों पर दो हज़ार रुपये टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए नहीं थी इसकी मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि जो टेक्निकल हमारी जो जो अदारे हैं उन्होंने मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था उन्होंने बताया कि ये तीन से चार गुना ज़्यादा ये पुराने जो मॉडल के पंखे हैं ये बिजली खर्च करते हैं ये उनके लिए भी बेहतर नहीं है अगर वो या तो जो कंपनीज हैं वो अपनी मैनुफैक्चरिंग जो है उनकी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लें और नई टेक्नोलॉजी पर आ जाए तो ये जो दो हज़ार रुपये हैं ये उनकी बिजली की बचत शायद एक महीने या डेढ़ महीने में पूरी हो सकती है तो एक्चुअली ये, ये रेवेन्यू के लिए नहीं है मैंने देखा कि बहुत बजट के बाद इसके ऊपर मीडिया में आया कि जी दो हज़ार रुपया गरीब का पंखा महंगा कर दिया और ये बात नहीं है ये रेवेन्यूगल बिल्कुल नहीं है लेकिन ये पाकिस्तान में एनर्जी को बचाने के लिए और इसी तरह बल्ब का था जो पुराने थे वो बहुत ज़्यादा तीन चार गुना इस्तेमाल करते हैं बिजली को वो जो नए बल्ब है जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें फिर जो एडवर्टीजमेंट अपील्स मैंने देखी वो कहने लगे कि टाइम दे फिर इंडस्ट्री को आ, कुछ आ, और ताकि वो अपनी तैयारी कर सके और जो कंज्यूमर हैं वो फिर उनको वो जो बेहतर पंखा है जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको यानी नाफुलमल फिर यानी फ्यूचर से किया जाए इस उनकी इस मैं समझता तो हूँ कि जैन उनकी डिमांड थी इसलिए पंखों के मैनुफैक्चर ने तोाना की बचत वाली टेक्नोलॉजी पर जाने के लिए जो वक्त मांगा है उसके लिए हम छः महीने की मदद इसमें ऐड कर रहे हैं यानी ये अब अमल यकम जुलाई की बजाय बजायकम जनवरी बीस चौबीस से होगा और छः महीने इसको डेफर कर रहे हैं जी जहाँ स्पीकर इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट के मौसर करने और बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की हैं हम मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से अपने साथियों की तरफ की तरफ से इनमें कुछ जो है वो जो फायदे हम पहले ही तवील मुदत शेयर होल्डिंग को फ़राम किए गए थे इस सिलसिले में हम कानून में ज़रूरी तब्दीलियाँ ला रहे हैं जनाब स्पीकर आपको ये जानकर हैरत होगी कि वफाकी हूमत का तकरीबन तीन इशारिया दो ट्रिलियन जन स्पीकर बत्तीस सौ अरब रुपया जो है वो मुख्तलिफ टैक्स जुडिशल फोरम्स के ऊपर लिटिकेशन में है और ये तकरीबन बासठ हज़ार केसेज हैं एज ऑफ टूडे जो कि बत्तीस सौ अरब की लिटिगेशन में फंसे हुए हैं और मुख्तलिफ लेवल्स पे हैं इसके लिए मैं समझता हूँ कि पिछली दिहाई से एक जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तनाजा के फौरी हल के हवाले से किया जा रहा था और कोशिश हुई लेकिन उससे मतलूबा नतज हासिल नहीं हो सके लिहाजा मौजूदा जो ये सिस्टम है आल्टर, डिस्पूट रेजोल्यूशन के लिए उसमें हम ये तजवीज कर रहे हैं कि इसको मजबूत किया जाए कैसे मजबूत किया जाए टैक्स दहिंद को इन्वॉल्व किया जाए उनका एक नुमाइंदा हो एक महकमे का नुमाइंदा हो लेकिन इसके ऊपर इसके ऊपर जो इसको हेड करे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो और ये जो बासठ हज़ार केसेज हैं जिसमें बत्तीस सौ अरब पाकिस्तान के अवाम आ, के खजाने में जा सकता है ये इसके फैसले जो है फौरी किए जाएं मैं समझता हूँ कि ये नई स्कीम जो है इन शेम और भरोसे वाली होगी और इस तरह हुकूमत की जानब से ना सिर्फ वाजुल अदा टैक्स वसूल किया जाएगा बल्कि साथ, साथ अदालती फोरम पर बोझ भी कम होगा लिटिगेशन का और कानूनी चारा जाई की चारा जोई की लागत भी कम हो जाएगी ये हमने ए डी आर सी के तरीकार पर जैसे मैंने अर्ज किया कि नज़रसानी का फैसला किया है तीन रुकनी कमेटी तजवीज़ कर रहे हैं अक्सरियती बुनियाद पर तनाजात का फैसला करेगी सरवाई मज्ज़ हाई कोर्ट में रुकना जज करेगा जबकि चीफ कमिश्नर इसके रुकन होंगे और तीसरा रुकन टैक्स पेयर खुद या उसका नामिनी होगा इसके फैसले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है शेख साहब जो आप चेयरमैन हैं और बिजनेस कम्यूनिटी आपका तल्लक है जहाँ स्पीकर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा जो हम इसमें ला रहे हैं स्कीम में ए का फैसला एफ पर तो बाइंडिंग होगा लेकिन टैक्स दिहंदगान पर बाइंडिंग नहीं होगा अगर वो जाना चाहे तो अपील में चले जाए और उनको अपील का हक दिया जाएगा ये मेरा ख्याल है इससे क्विकस्ट और इससे बेहतर हम तेज़ी के साथ ये मामला हल नहीं कर सकते उम्मीद है कि ये जो बासठ हज़ार केसेस के टैक्स दहिंदगान हैं वो नए फोरम को इस्तेमाल करेंगे और उनके टैक्सट तनाजात को तेजी और कम लागत के जरिए हल किया जा सकेगा जनावे स्पीकर फाइनेस बिल माली साल बीस तेईस चौबीस के हवाले से अपनी गुजारशा पेश करने के अलावा मैं बजट तखमीना जत पर जनरल डिस्कशन को समेटते हुए चंद चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी की जरूरियात और अफराद जर को मद्द रखते हुए जो खुरदनोश तो की अशिया की कम कीमत पर दस्याबी को यकीनी बनाने के लिए यूटल्टी स्टोर कॉरपोरेशन को रमज़ान पैकेज के अलावा वजी अजम रिलीफ पैकेज के तहत मौजूदा माली साल में चौबीस अरब रुपये मुहैया किए थे यानी जो तीस जून को साल ख़त्म हो रहा है जो आने वाला माली साल है जो तीस जून बीस चौबीस को ख़त्म होगा इसमें रमज़ान पैकेज के लिए पाँच अरब और वजीर अजम रिलीफ पैकेज जिसके जरिए सस्ती अशिया जो स्कोर कार्ड के जरिए लोगों को मिलती हैं जो वेरीफाई होते हैं उनके लिए चौंतीस अरब रुपए की एलोकेशन यानी खतीर रकम इस बजट में मुख्त की गई है नंबर दो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुरबत से निपटने के लिए हकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिक फ्लैगशिप प्रोग्राम है माली साल बीस इक्कीस बाईस में इस प्रोग्राम के लिए ढाई सौ अरब मुख्त किए गए थे मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट फिज बीस बाईस तेईस में इसको 250 को बढ़ा के आपको याद होगा 360 सौ साठ अरब रखे थे जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद हमने इसमें मजीद चालीस अरब का इजाफा किया और ये 360 सौ साठ अरब को हम माली साल 22, तेईस के दरमियान में ही चार सौ अरपये और पहली जनवरी 20, तेईस से जो इसके बेनिफिशरीज हैं जो बिज पे उनको यानी उस नई पच्चीस फीसद इजाफे के साथ उनको वज़ायफ़ और उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया अब इस बजट में हमने इनिशियली जो इस वक्त हाउस की मलकियत है और इसको हम पेश कर चुके हैं हमने चार सौ पचास अरब रखे थे लेकिन हमने मजीद इसको कैलकुलेशन करके कुछ और डीट आपने देखा कि कल मोहतरमा इसकी जो मिनिस्टर साहब है शाजिया मरी साहब की कुछ तजावीज़ थी और इस तरह हमने देख के आ, हमने जो रिकलकुलेट किया हम इसको रिवाइज कर रहे हैं चार सौ छियासठ अरब पर इसमें मजीद सोलह अरब का इजाफा कर रहे हैं बिस्में फल माल, माली साल बीस तेईस चौबीस जनाव स्पीकर दफ़ाई बजट के जमन में इस मजरकान में ए, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह तला के फजल करम से मुमलत में पाकिस्तान एक एडमी ताकत है पाकिस्तान के मुसलह फाज हर वक्त मुल्को कौम के दफा और अंदरूनी व बैरूनी साजिशों के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं हमें अपनी मुसलह फाज और सिविल आर्म फोरस की नमाया कारकरी और कुर्बानियों पर फ़्र है हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह हम, हमने देनी है और इस सिलसिले में तमार तर माली मुश्किल के बावजूद हम मुसलह फाज को जो जरूरी फ्रंट्स की फरहमी को यकीनी बनाया है मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ सैनट की जो स्पेशल उन्होंने जो एक तजवीज़ दी कि इनको स्पेशल आप इंशोर करें कि इनकी ज़रूरियात पूरी करें ये हम सब का मैसम फर्ज है इन हम इस सिलसिल में किसी रुकावट को आड़े नहीं आने देंगे और बजट में जो रकम मुख्त है वो वक्त पे रिलीज़ की जाएगी जनाब स्पीकर मैं इस अमर की भी यकीन दहानी कराता चलूँ कि मौसमियाती तब्दीली ज़रात के, के फ़रोग और नैशनल फूड सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले इकदाम ये तमाम चीज़ें मैंने अर्ज की कि, कि इस हाउस ने मुख्तफ मौजूदा रकिन ने आ, कमेटी ने इनको फ्लैग किया है मैं उसके हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि तकरीबन तीस अरब रुपए इस बजट में मुख्त किए गए हैं वफाकीकूमत इस सिलसिला में सबाई हुकूमतों के इश्तराक से बेहतर हमत अमली के ज़रिए मवसर इकदाम उठाएगी ताकि जो प्रपोज़ल्स इस हाउस ऑनरेबल हाउस से मिले हैं मोजाज ने दिए हैं इन इन, इन एरियाज़ में इनशाला उसके ऊपर अमल दरामद हो सके इसी तरह जनाब स्पीकर सिविल और मुसलह अफाज के हाज़िर सर्विस मुलाजमीन की सैलरीज और रिटायर्ड पेंशनों के लिए माली साल तेईस चौबीस में खातर ख़वा इजाफा किया गया है इसी तरह निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए भी कम अज़ कम उजरत को पच्चीस हज़ार रुपये से बढ़ाकर बत्तीस हज़ार रुपये हमने किया है और ई ओ बी आई की पेंशन को साढ़े आठ हज़ार से बढ़ाकर हमने तजवीज़ किया है ई ओ बी आई को वो काम कर रहे हैं कि दस हज़ार रुपये कर दी जाए तो ये वो जनाम स्पीकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं समझता तो हूँ कि माली मुश्किल के बावजूद जनाब इस्पीकर ने तेल की बैन अमामी कीमतों में कमी का तमाम तर फायदा आवाम तक पहुँचाया और पेट्रोलियम मसनवाद की कीमतों में पिछले एक महीने में नुमाया कमी की उसमें डीज़ल की कमी ऑलमोस्ट पैंतीस रुपये है उसमें पेट्रोल की कमी जो है वो बीस रुपये है उसमें लाइट डीजल की कमी सत्रह रुपये फी लीटर है तो इस पॉलीसी को आइंदा भी आवाम को रिलीफ देने के लिए फॉलो किया जाएगा जो इंटरनेशनल आ, 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 प्राइसों में कमी आएगी या जो, जो रुपए की वैल्यूशन अगर अल्लाह के फल से बेहतर होगी तो ये जो इसका फायदा है ये आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा जहां स्पीकर कौमी बचत की स्कीमें जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिले में ऑर्डर इन द हाउस प्लीज प्लीज बाइंडिंग स्पीकर कौमी बचत की स्कीमों में जिनमें में सर्टिफिकेट्स और शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिला में सरमाकारी की हद को 50 लाख से बढ़ाकर पचहत्तर लाख रुपए 9 जून के बजट कर ए, पेश करदा बजट में हमने प्रपोजल दे दी थी उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रजेंटेशन मिली कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है तीसरा अकाउंट जो मेन चलाती है ए, अपना नेशनल बजत जो स्कीमों में है ए, ए, उसको भी आप कंसिडर करें तो मैं मुझे खुशी है कि मैं इसको ऐलान कर रहा हूँ कि जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की स्कीम में भी सरमाकारी की जो हद पचास लाख थी उन दूसरी दो स्कीमों की तरह उसको भी पचहत्तर लाख बढ़ाने का फैसला किया गया है जनाब स्पीकर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी नौ जून के फाइनेंस बिल में वफाकी हकूमत को देने की तजवीज़ थी कि जब हुकूमत को ज़रूरत हो अगर रेवनीू या इंटरनेशनल प्राइस कोई हो तो वो वफाकी हुकूमत फ़ैसला कर सकती है इस सिलसिला में सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने बिलखसूस और दोनों हाउसेज़ के मोज़ अरकान ने बिलूम ये ये उन्होंने तजवीज़ दी है कि फाकी हुकूमत को ये अथॉरिटी अनलिमिटेड ना दी जाए और इसको महदूद कर दिया जाए और ना पाँचों प्रोडक्ट्स में दी जाए आपको पता है कि पाँच प्रोडक्ट्स हैं एम गैस है जो जिसको पेट्रोल हम कहते हैं हाई स्पीड डीजल है लाई स्पीड डीजल है कैरोसिन ऑयल है और हाई ऑक्टेन है वो उसमें वो कहते हैं जी जो मेन आइटम जो मुल्क में कंजम्पन की हैं वो दो हैं वो पेट्रोल है एम गैस जिसे कहते हैं और वो हाई स्पीड डीजल है उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कमो बेस दर्ज, दर्जन के करीब तजावीज़ थी कि गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जो भी हो उसको आप अनलिमिटेड पावर्स ना दें जो मर्जी बढ़ा दें तो हमने फिर ये फ़ैसला किया है कंसल्टेशन करके अपने अपने इंटरनल भी फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम इसको अब लिमिट कर रहे हैं कि ये जो पावर होगी साठ पैसे ऊपर नहीं होगी ताकि आइंदा आने वाले जो भी इनशाला वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा लेकिन इसको जो अनलिमिट पावर को विड्रॉ किया जा रहा है और पचास रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ साठ रुपये का किया जा रहा है बहुत शुक्रिया जनाव स्पीकर मैं अपने बैरून मुल्क पाकि, मुखीम पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी खराज तहसिन पेश करता हूँ जो इस इन, अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और जो ना सिर्फ़ इन ममालिक तरक्की ख़ुशहाली में अपना फाल किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि तरसीलाते ज़र यानी फॉर रिमिटेंस के ज़रिए अपने अपने वतन की मिट्टी का हक़ भी अदा कर रहे हैं हकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में उनको हर तरह की सहूलियात देने में कोशा हैं और इसी तरह अगले माली साल के बजट में इन फॉरन रेमिटेंसिस को सिलिटेट करने के लिए 80 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं मैंने अर्ज किया था उसमें एक इनाम की भी एक स्कीम होगी लेकिन ये सारा जो और फिर उनके जो रेमिटेंसेज हैं वो वो कोई अपना चार्जेस पे नहीं करते स्टेट बैंक को अपना, अपना हर बैंक जो है वो एक बिल करता है उसको पे होता है तो वो हम स्टेट बैंक के यानी अखराजात होते हैं और वो ये एक एक यानी इनामी स्कीम भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे इस इस तमाम प्रोसेस के लिए स्टेट बैंक के अस्सी अरब रुपए की इस बजट में रकम मुख्त की गई है जनाब स्पीकर मुस्लिम लीग नून के क़ायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौर हकूमत के दौरान पूरे मुल्क और तमाम इलाकों की तरक्की व खुशहाली के लिए इकदाम उठाए वजी अजम पाकिस्तान मियाँ शवाज शरीफ और हुकूमती हिताती जमातें भी इसी हमत अमली और विजन के तहत खैबर पखतूनखा के जमशुदा अजला यानी न्यूली डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिफाई के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सतावन अरब रुपए और गैर तरक्याती बजट में छियासठ अरब रखने की तजवीज़ है जनाब स्पीकर ये लेटेस्ट नंबर है जनाब स्पीकर पाकिस्तान के मुख्तु इलाकों में तरक्याती स्कीमों की मत यानी एस टी जीज के आहदा को हासिल करने के लिए न सिर्फ मौजूदा माल, माली साल में खातर खा फंड फ़रहम किए गए हैं बल्कि अगले माली साल में भी बीस तेईस चौबीस में भी इसके लिए नबे अरब रुपए की खतीर रकम मुख्त की गई है मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ, की बात कर रहा है एस डी जीज स्पीकर साइंस और ख़ास कर खासकर आई टी के फ्रो के लिए चौंतीस अरब रुपए जबकि पैदावारी शोबो ज़रात सनत मादरियात के लिए पी एच डी में पचास अरब रुपए मुख्त किए गए हैं गैर तरक्याती बजट यानी करंट बजट जो है अदर दैन पी एस डी पी उसमें ज़रात के इकदाम के लिए उसमें भी तेरह अरब इस रकम के अलावा रखे गए हैं गत के शोबे के लिए एस टी जी और बी एस पी बिस्शोन प्रोग्राम के तहत खातर ख़्वा रकम मुख्त की गई है जहाँ पर स्पीकर इसी तरह ट्यूबवेल्स की सोलईजेशन के लिए जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोजा रकीन ने एम्फेस किया और अपनी तजावीज़ दी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की खूशसी स्कीम के, के तहत तीस अरब रुपए मुख्त किए गए हैं ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए नौजवानों की फलाह की तरफ तवज्जो भी दी गई है ताकि नौजवानों को अमली जिंदगी के लिए तैयार किया जा सके नौजवानों के लिए मुख्त पी एस डी पी और जारी अखराज में तकरीबन इकतीस अरब रुपए एलोकेट किए गए जनाब स्पीकर <coughs> जनाब स्पीकर वजी अजम शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में मौजूदा माली साल बाईस तेईस के दौरान सरकारी अदारों पर सादगी और कफायत शारी के इदाम पर अमल दरामद शुरू किया गया साल रवा में नॉन एम्प्लॉई रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी सैलरीज अलाउंसेज जो हमारे सरकारी मुलाज़मीन उनके अलावा जो था उस पर पंद्रह फीसद कमी की गई ये जो तीस जून को ख़त्म हो रहा है साल मैं अप्रीशिएट करता हूँ और मैं तमाम जो डिविज़न हैं मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने इसको रिलीजली फॉलो किया और कमी की और और उस हदफ को पूरा किया मुल्क की इंटरेस्ट पे मैं उनका मशहूर हूँ और इसी तरह ऑस्टेरिटी मैजिस में हर किस्म की गाड़ियों मासवे स्वयं एम्बुलेंसेस तलीमी की बसों और सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों के अलावा तमाम गाड़ियों इनके अलावा फर्नीचर दी, दीगर मशीनी दी आलात बशमूल एयर कंडीशन माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह की ख़रीदारी ख्री, पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी और ये जो पाबंदी थी इसके अलावा सरकारी अफसरान के सरकारी खर्च पर बैरून मल दौरों और सरकारी खानों पर भी पाबंदी आयद की थी कबाद शारी के इन तमाम इकदाम को माली साल बीस तेईस चौबीस में भी जारी रखा जाएगा मैं समझता हूँ कि हमें मेहनत की ज़रूरत है हमें ए, 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 इस, इस जो एस्टॉरिटी मईस को मजीद आगे एक साल मुल्क की इंटरेस्ट में लेके जाने की ज़रूरत है इसलिए ये फैसला किया गया कि तमाम मेयर्स जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे तीस जून बीस तेईस इस साल के लिए वो अगले माली साल बीस तेईस चौबीस में भी जारी रहेंगे जनाब स् इस्पीकर इस मौका पर मैं मोज्ज़ एवान के सामने कुछ और अहम नक पर इजहार ख्याल करना चाहता हूँ इसमें एक अहम मामला पब्लिक फैनानस मैनेजमेंट और दीगर मुतलक अमूर में असलाहत के मतलब है मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने अपने दौरे इकतदार में विफा सबाई महकमों में बहुत असलाहत नाफिज की इस सिलसिले में कुछ नई तजावीज़ मोज़ ईवान के सामने पेश की जा रही हैं मौजूदा मखलूत हकूमत ने भी असलाहत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है जिसमें काबिल ज़िक्र जो टी एस ए का नफाज है नए जनरल फाइनेशियल एंड्राइजरी रूल्स हैं और कैश एंड डेट मैनेजमेंट रूल्स हैं मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ये मदद करेंगे हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मज़ीद मजबूत करने के लिए जहां स्पीकर अब मैं वफाकी पेंशन का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके सालाना अखराज में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है पेंशन अखराज अनसस्टेनेबल हो चुके हैं और इसमें फ़ौरी असलाहत की ज़रूरत है अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो नौ जून को जो नंबर पेंशन के पेश किए थे और उसको जो मज़ीद उस पर फ़ाइन ट्यूनिंग की गई और मज़ीद आखिरी पैनी तक कैलकुलेट किया गया तो अब वो रकम क्या होगी मैं अभी वो रेलिवेंट पोर्शन पर आके आपको करूँगा तो मैं कर रहा हूँ कि इस इसलिए इस इस ये असलाहत जितनी जल्दी हो सके ये नाफिज होनी चाहिए इसके अलावा वफाकी मुलाजम के लिए हकूमत पाकिस्तान को कॉन्ट्री कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड की स्कीम को लागू करना पड़ेगा इस सिलसिला में बजट माली साल बीस तेईस चौबीस में पेंशन फंड कायम कर दिया गया है और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर पर काम का आगाज़ हो चुका है जहां स्पीकर पेंशन के इस्ताहत के हवाले से मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मारूजात करना चाहता हूँ बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारे कई लोग हैं इस सिस्टम में वो कई दफ़ा मल्टीपल पेंशन वसूल करते हैं वो अगर एक अदारे में रिटायर हुए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं उसके बाद एक और अदारे में चले गए उसकी भी पेंशन ले रहे हैं मैं मुझे आए, मैं नाम नहीं ले रहा मुझे ऐसे लोगों का पता है जो तीन तीन पेंशन भी ले रहे हैं मैं समझता हूं कि यह मुल्क इसका मुतमल नहीं हो सकता इसलिए पेंशन के हवाले से यह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर मैं रिपीट कर रहा हूं कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वह सत्रह ग्रेड एंड अब ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं ये रिफॉर्म सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है ये से ताँगे से ताँगे। अब ये उनकी दीद होगी कि जो दो तीन अधारों में उनको पेंशन की इंटाइटलमेंट बन रही है कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट करें लेकिन ये ये फेयर नहीं है इस गरीब कौम पे इस इस मुल्क पे कि एक जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक महकमे से निकलें वहाँ की पेंशन सब सहूलियत लें उसके बाद एक और जाके दफ्तर में बैठ जाएं उसकी सहूलियत लें मैं समझता हूँ कि ये अनफेयर है मैं नाम लिए बगैर बाप को कह सकता हूँ कि मेरे साथ माजी में एज फाइनेंस मिनिस्टर लोग आते रहे हैं कि ये हमारी पेंशन फ्लां है उसमें तो ठीक है ये फ्लां दूसरी जो उसको ठीक कर दे एक आप पेंशन नहीं जो सबसे ज़्यादा है मुल्क आ, मेरा ख्याल है कि बड़ी फेयर चीज़ है इसको फौरी तौर पे लागू किया जा रहा है जहाँ पे स्पीकर दूसरी पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाए ये एक दूसरा रिफॉर्म है इसकी अशर ज़रूरत है तीसरा रिफॉर्म जो किया जाएगा एक पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद यानी पेंशनर भी खुदा न खासदा फौत हो गए उनके स्पाउस भी फौत हो गए उसके बाद जो डिपेंडेंट्स हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उस पेंशन को जारी रखने की उस पीरियड को दस साल तक लिमिट किया जा रहा है कि स्पाउस पेंशनर खुद उनकी वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो दस साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी चौथा रिफॉर्म इसमें ये कर रहे हैं कि री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में कि पेंशन मेरी हुई मैं कल कहीं और जॉब पे चला गया तो वो फिर पेंशन या तखा में से एक को ऑप्ट कर लें पेंशन ले ले या भी अगर सैलरी तो नॉर्मली ज़्यादा होती है वरना क्या जरूरत है कि हम पेंशन छोड़ के तो ये ऑफिसर्स के लिए सारी स्कीम कि सत्रह एंड अबाथ शायद आगे बाकियों की भी बारी आए अगर कोई आने वाले वक्तों में ये रिफॉर्म है ये बहुत पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ये फैसला किया कि इस रिफॉर्म को अब जारी कर दिया जाए और मुल्क में आपको पता है कि मैं ऐसे रिफॉर्म माजी में भी करके मैंने बड़ी कीमतें अदा की हैं नाइनटीन एट में मैंने 3000 सीसी जो बड़ी गाड़ियां वी वी आई को मिलती थी और कॉमर्स मिनिस्टर उसका ये बैठे हो कॉमर्स मिनिस्टर उसमें मुझे याद है इंपोर्ट 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 एक्सपोर्ट कोड 1.2 पॉइंट टू होती थी वो आप उनको जनाब ड्यूटी फ्री गाड़ियों की इजाज़त देते ये गवर्नर ये प्रेजिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर ये ये इन सब को ये लिस्ट थी और वो कॉमर्स मिनिस्टर उनको देती थी आप ती, तीन हज़ार सी सी गाड़ियाँ फ्री मंगवा लें और इस मुल्क में मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं कि ऐसे लोग थे जिन्होंने एक से ज्यादा उस उस मर्तों पे आए मुख्त में और गाड़ियां ली मैं मजीद आपको एविडेंस दे सकता हूं कि वो गाड़ियां मंगवाई और बेची और करोड़ों रुपए की जो ड्यूटी बचाई वो जेब में डाल ली तो मैंने उसको अलहद लाइनटी सेवन कॉमर्स मिनिस्टर बना बीच में फाइनेंस मिनिस्टर नवंबर नाइनटी एट में बना आखिरी दिन तक कू तक मैंने एक लाइसेंस नहीं इशू किया वो जो ड्यूटी फ्री का लाइसेंस होता था और मैंने मैंने दर्जनों लोगों को अपना दुश्मन बनाया मुझे कोई उसमें यानी अफसोस नहीं है क्योंकि मुल्क के लिए तब दी, दी, ये जो जो एग्जाम्पल है ये टॉप से शुरू होती है हम गरीब आदमी को तो पकड़ लेते हैं उससे तो हम तो हर चीज़ कहते हैं टैक्स भी पूरा करो ये भी दो वो भी दो हमें वो नहीं हिम्मत होती कि हम सत्ता से ऊपर वालों को यार एक पेंशन ले लो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता ये तीन हज़ार सी सी के भाईचारे अगर आपने बाद में बेचनी है तो मुनाफा तो फिर भी हो जाएगा तो जनाब मैं इस पर बिलीव करता हूँ इसी तरह अगर चौथा जो मैंने रिफॉर्मर्स किया है वो वो पेंशन लेंगे या या सैलरी लेंगे जो भी ऑफिस होंगे अगर वो काम छोड़ के नया शुरू करना चाहते हैं वो जब वहाँ से रिटायर होंगे फिर अपना अपना फ़ैसला कर लें कि कौन सी पेंशन उन्हें लेनी है तो ये जहाँ स्पीकर मैं ये जो सारा मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बिल्कुल प्योर नेशनल इंटरेस्ट में है मेरे मेरी ज़ाती जेब से तो नहीं ऐसी चीज़ें जानी हैं या कि, किसी लेकिन मैं समझता तो हूँ कि मिल के हमने करना है मुल्क को सीधा तो इस तरह के मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे और करने चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़े जनाब स्पीकर पिछले चंद माह से पूरी कौम के सामने एक बड़ा सवाल यह रहा है कि आया आईएमएफ का नाइन्थ रिव्यू कामयाबी से होगा या नहीं ये बाहर जाए तो पूछ रहे होते हैं तो किसी प्रोग्राम में चले जाए पहला सवाल है आई एम का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा मैं इस मौजूद ऐवान के अपने भाई बहनों को अतमाद में लेना चाहता हूँ बावजूद के पाकिस्तान हकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकत पर मुकम्मल कम्प्लाइंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल बीस तेईस के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेसिंग गैप की वजह से हमारा केस आई एम एफ की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका व जनाब शवाज शरीफ साहब की पेरिस में इसी हफ्ते क्लाइमेट फाइनेंस समिट के दौरान एम डी आई एम एफ से दो दफ़ा मुलाकात हुई और ये फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और आई एम एफ की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए इस हवाले से पिछले तीन दिनों में पाकिस्तान की मुशी टीम ने आईएमएफ की टीम के साथ तफसली मुकर किए हैं क्योंकि वहाँ साढ़े पाँच तो वाशिंगटन रफली खुलता है तो हम पिछले तीन रातों में सारी रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी होते हैं जी सुबह फजर पढ़ के घर जाते हैं आपको पता है मेरी आपसे एक दो बात है तो ये इस हमने भी बड़े खलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके इन मुजात के नतीजे में माली साल तेईस चौबीस के लिए जो फाइनल फाइनल मैं बहुत वेस्टलिस्ट का नंबर नहीं ऐसे परेशान हो गए उसमें हमने दो सौ पंद्रह रुपए के टैक्स माने हैं जो कि लगाने की तजवीज है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी ये इनका बोझ गरीब और मतस्तर तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है एक तो बहुत हाई पिच नहीं हमने एक्सेप्ट किया हमने ये तीन तीन पूरी रातें हम इस नगोसिएशन में रहे मैं और मेरी टीम और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूँ कि पूरी टीम सारी सारी रात काम करती है सो so, हम बजट पे तो अल्लाह ताला उनको अजर देंगे इन तो इसके लिए हमने ये कुछ इसी तरह हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उस पर पचासी अरब रुपए की कमी भी करेंगे। वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा मैं मोटी मोटी चीज़ें अर्ज भी कर देता हूँ रिकॉर्ड के लिए लेकिन ये जो कटौती है पचासी लड़क की ना ना तो ये तरक्याती बजट पी पी पे इसका न, 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 नफा नफाज होगा ना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरी के ऊपर नफाज होगा और ना ही जो हमने इंक्रीज दी है पेंशन और अ, 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 अपना सैलरीज में उसके ऊपर इसका नफाज होगा क्योंकि तजवीज़ थी कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दोगना कर दिया मैं कह मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दोगुना कर दिया ये कैसे हो सकता है यानी जो कुछ दिया उससे ज़्यादा उनसे वापस ले ले तो बहरहाल जो फाइनल फाइनल है मैं तफसील में नहीं जाना चाहता ये बड़े डिटेल्ड और मुल्क के इंटरेस्ट में है बात यह है कि जी हमारे अपने लोग भी कहते हैं जी आई एम एफ नहीं होता पता नहीं क्या हो जाएगा मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफ़ा क्या कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है आई एम हो जाए बिस्मिल्लाह खुदा ना खास ना हो तो फिर भी गुजारा हो, होता है आगे भी किया 98-99 में भी किया था अब भी किया इन तो इसलिए हमने खलूस नीयत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की चूँकि ख्वाहिश भी सही थी सही ख्वाहिश थी क्योंकि इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी हैं हमें उसको मानना चाहिए कि इस वक्त एक ग्लोबल जो मेडिकल जो कह लें कि सर्टिफिकेशन देता है वो अब सारी दुनिया के अधारों ने वर्ल्ड बैंक हो आईबीआरडी हो आईएफसी हो एशियन वर्ल्ड बैंक हो ए डब्ल आई बी हो ए अपना आईडीबी हो कोई भी हो उन्होंने ये पहले देखना है कि जी आप ऑन ट्रैक है तो उसके बाद वो आपसे बिजनेस शुरू करते हैं तो ये एक 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 ग्लोबल बन गई है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका इंटरेक्ट फायदा इन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा जिसके विजिबल होगा हम ने ये जो मैं बड़ी इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं समझता हूँ कि ये इस एवान का और पाकिस्तान की कौम का ये ये उनकी अमानत है कि आप उनके बिहाब पर जो एग्री करें आप इस कौम को बताएं और मैं आपसे अल्लाह करे कि हमारा मुआदा हो इनशाला जल्दी और जब हो जाए तो मैं इनशाला इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर डालूंगा ताकि जिसने देख रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंटली पढ़ लेके ताकि ये मानत है आपकी तो मैं कर, अर्ज कर रहा था कि जी ना तो तरक्याती बजट पर कोई कट आएगा इन, इस नतीजे में ना ही सरकारी मुलाजमन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी जो उनको अनाउंस है वही मिलेगा और ना ही पेंशन में कोई कटौती होगी ये ये चीज़ें आउट ऑफ क्वेश्चन हैं और हम हमने उनसे उन्होंने हमारी बात मान ली है इसलिए ये पार्ले जो थे वो काफ़ी लंबे चले हैं तीन तीन रातें चली हैं और पूरी पूरी रात हमारा इस में गुजरा है जहाँ स्पीकर इसके नतीजे में ये जो मैंने अर्ज किया कि जो ए, दो हमारा जो टैक्सेस का हदफ़ है नौ हज़ार दो सौ अरब है आपको भी पता है और उसके नतीजे तो बहुत स्मॉल एक ए, लेस दैन क्या लें कि अमाउंट है ढाई परसेंट तीन परसेंट से भी कम है तो ये इसके नतीजे में जाहिर है कि नंबर चेंज होंगे अब हमारा जो बजट नौ मई को ए, नौ जून को हमने पेश किया था तो इसके नतीजे में माली साल तेईस चौबीस के एनुअल बजट स्टेटमेंट फाइनेंस बिल बीस तेईस और दीगर ऑडिट बुक्स जो बजट बुक्स हैं उसके अदादोशुमार में मंदरजा जैल तब्दीलियां आएंगी और आई आएं हैं जिसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा नंबर वन एफ के आर के सालाना मुहासिल का तखमीना नौ हजार दो सौ अरब रुपए से बढ़ाकर नौ हजार चार सौ पंद्रह अरब कर दिया गया है यानी दो सौ पंद्रह के टैक्स सूबों का हिस्सा ऑटोमेटिकली जो दो सौ पंद्रह बिल में उनको एक्स्ट्रा जाएगा तो वह हजार दो सौ छिहत्तर अरब से बढ़कर पांच हजार तीन सौ नब्बे अरब हो जाएगा जनाब स्पीकर वफाकी हुकूमत के कुल अखराजा का तखमीना चौदह हजार चार सौ साठ अरब रुपये से बढ़कर चौदह हज़ार चार सौ अस्सी रुपये हो जाएगा और पेंशन चौदह हज़ार चार सौ अस्सी अरब रुपया हो जाएगा पेंशन का तखमीना मैंने आप, आपको अभी अर्ज किया ये सात सौ इकसठ अरब से बढ़ के ये आठ सौ एक अरब रुपया हो जाएगा इसमें जो फाइन ट्यूनिंग उनके साथ जी है वो चूँकि तो हमने किसी जगह पे कोई एडजस्टमेंट नहीं मानी जो पेंशन की अनाउंसमेंट है उसी तरह पेंशन मिलेगी सब्सिडी का तखमीना दस सौ चौह रुपये हो जाएगा ग्रांट्स का तखमीना दस सौ चौंसठ अरब हो जाएगा ग्रांट्स का तखमीना चौदह सौ पाँच अरब रुपया हो जाएगा इन तमाम इकदाम के नतीजे में जो हमारा ओवरऑल बजट डेफिजिट है उसमें बेहतरी आएगी दो सौ पंद्रह के नए टैक्सेज पचासी हम अपने अखराज कम करें तीन सौ अरब जो है वो हमारा फिजिकल डेफिजिट मजीद इम्प्रूव कर जाएगा हम कम उतना कर्जा लेंगे हमारी फिजिकल ज्यादा बेहतर हो जाएगी इन तमाम तब्दीलियों को बजट बुक्स में जनाब स्पीकर शामिल कर दिया गया है और जो मैं फिर वक्त आने पे जो चार्ज एक्सपेंडिचर के बाद जो मैं अप्रूवल लूँगा इस मौज़द रवान का वो अब अमेंडेड फिगर्स पे होगा ये सारी उनमें इनकॉपरेट चीज़ें कर दी गई हैं जो कल रात फाइनल हुई हैं और आज सुबह हमने उस उससे काम शुरू किया होता है इसलिए मैंने जो आपको सुबह सुबह फ़ोन भी किया और गुजारिश की कि ग्यारह बजे आप तीन बजे रख लें तो मैं आपका मशकूर हूँ और रवान का भी कि आपने फिर हमें को चार घंटे और दिए ताकि हम ये सारी चीज़ें अपने यानी फॉर्मल तरीक़े के साथ अपने तमाम चीज़ों में शामिल कर लें जम स्पीकर में इस मज़दूर जवान की वसादत से पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात का यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि उनको जिन मुश्किल माली हालात का सामना करना पड़ा है उसकी कई वजूहत हैं मुझे इजाज़त है ये कहने की पिछली हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क मीशत पर मुल्क की मीशत पर बहुत बुरे बुरेसा मुरतब हुए हैं जिनके ज़ायल होने में वक्त लगता है इस तरह पिछले एक साल में उन्हीं के रियासत मुखालिफ सरगर्मियों ने भी जलती पर तेल का काम किया है वो उसके नौ मई का जो है वाक्य सर फहरिस्त है अल्लाह की जात का शिक्र है कि ऐसे ग्रोहों और जत्थों से पाकिस्तान के बाशूर और बाखबर अवाम बखूबी आशना हो चुके हैं वजीरम शहबाज शरीफ और इतिहादी हुकूमत का नसफुल्न मुल्क और कौम की फलाह और तरक्की है इन शाकिस्तान की अवाम ने जनरल इलेक्शन के ज़रिए दोबारा खिदमत का मौका फ्राहम किया तो हम अपने नामुकम्मल मुआशी झंडे को इन पूरा करेंगे और आवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए हर मुमकिन मजीद इकदाम करेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की मीशत मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर भरपूर सालाहियत रखती है और आप देखें कि पिछले आठ नौ महीने में क्या क्या प्रोडिक्शन नहीं हुई और वो प्रोटिक्शन अप्रैल के एंड तक मई में हो रही थी तो अल्लाह ताला का फजल है मुल्क इन शह मेरा ईमान है कि रहती दुनिया तक ये कायम दायम रहना है अल्लाह ताली ने इसकी हिफाजत करनी है तो बैर्ज करो कि पाकिस्तान की मीशत मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है कौम के तान से हकूमत माजी करीब के तमाम चैलेंजस का कामयाबी से मुकाबला कर चुकी है और कर रही है और इन शह पाकिस्तान माली साल बीस सत्रह का हासिल कर वो मुकाम जहाँ हम पा दुनिया में चौबीसवीं मी बड़ी मीशत माशीकुत बन चुके थे इन शाह जल्द दोबारा हासिल करेंगे और वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह के फजल करम से कौम की मेहनत और लगन से हम पाकिस्तान को जी ट्वेंटी में शामिल करेंगे अल्लाह का तला नासिर हो पाकिस्तान जिंदाबाद